गुम है किसी के प्यार में, दिल सुबह शाम। मतलब पहले तो सिर्फ बेसुरे थे, अब नशे में बेसुरेपन का लेवल क्रॉस कर दिया। मैं उसका नाम आयराम, आयराम। पसंद है? जल तो नहीं रहा ना? नहीं, मैं ठीक हूं, बस हल्का सा ही चटका लगा था। तुम जाओ। मेरी वजह से कितनी तकलीफ हो रही है ना तुम्हें? कसम खाता हूं तुम्हारी, तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता हूं मैं। स्माइल देखना चाहता हूँ तुम्हारे चेहरे पे हमेशा, तुम्हारी जिंदगी में हमेशा खुशियां देखना चाहता हूँ। तो पता नहीं ये तकलीफें कहाँ से आ जाती है, ऐसा क्यों होता है सही? ऐसा क्यों होता है कि हम ना चाहते भी हम एक दूसरे को हर्ट कर देंगे? I'm sorry, sorry, very sorry, sorry. अब तेरा क्या कहना है अश्विनी? देख रही है ना तू, विराट सुबह से कितना खुश है। इसके चेहरे पर इतनी खुशी आखिरी बार कब देखी थी तूने? हम इंसान की खुशियों का उनके दुख से ज्यादा मोल क्यों लगाते हैं वहनी? आपको विराट की खुशी दिख रही है और मुझे पत्र लेखा का दुख, उसकी मायूसी, उसके आंसू, उसका गुस्सा। आपकी नजर में पत्रलेखा के दुख का कोई मोल नहीं है ना बहनी? अगर विराट और सईद दोबारा एक हो गए तो वो वीनू को भी मना लेंगे। बहनी, फिर विराट, सईद, वीनू, सभी सब एक साथ खुश रहेंगे, एक सुखी परिवार की तरह। फिर उनकी खुशियों की महक इस घर को भी महका देगी और हम सब खुश हो जाएंगे। अब तू बता, मेरी जगह अगर तू होती तो क्या करती? इन चारों की खुशियां देखती या किसी एक की? जब आदमी के पांव में दर्द हो और उसे चलने में तकलीफ हो तो वो छड़ी का सहारा लेता है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो ठीक नहीं होता। अगर ठीक होने के बाद भी वो छड़ी को साथ में रखेगा तो वो छड़ी उसकी चाल के साथ साथ उसकी जिंदगी की चाल को भी धीमा कर देगी। अफसोस, पत्रलेखा विराट की जिंदगी की वो छड़ी है और वक्त आ गया है कि विराट उसे नमस्ते कर दे। ये
ये जो दिल से जुड़े फैसले हैं ना, उन्हें दिमाग से लेना जरूरी है। अब तू खुद को मेरी जगह रखकर सोच और मेरे नजरे से देख, तू खुद समझ जाएगी कि इस परिवार की खुशियों के लिए क्या जरूरी है। एक बार ठंडे दिमाग से मैंने जो कहा है उसके बारे में सोच।